सो गैस ये जो है ना, ये बरेली से रोड जाती है हल्द्वानी और फाइनली नैनीताल की तरफ, ठीक है, चलती रोड है। हम मेन बरेली शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर बाहर आए। तो आइए अब आपको मैं कहता जलवा दिखाता हूँ इस कॉलेज का। तो फिर हम कॉलेज के सामने पहुँचेंगे, अभी आप देखते जाइए, क्योंकि सो ये सारे जो इतने सारे ढाबे आपको नज़र आ रहे हैं, समझ लीजिए सारे इस अस्पताल के लिए ही जो क्लाइंट्स आते हैं। और आगे आपको मेडिकल स्टोर नज़र आएंगे, जबकि अंदर भी 3-4 थे। और जब मैं उल्टा चल के आपको कॉलेज का गेट दिखाऊंगा, तो देखिए श्री राम मूर्ति स्मारक बरेली डेफिनेटली यूपी के 31 कॉलेजों में नंबर 1, नॉर्थ इंडिया के टॉप 10 में मैं हमेशा आपसे कहता हूँ। और ये देखिए, ये जो मतलब 5 किलोमीटर पहले से ना सुनसान शुरू हो गया था, और उस सुनसान के बाद जितनी भी दुकानें नज़र आ रही हैं आपको, जितना भी सबको नज़र आ रहा है, ये देखो 10-12 केमिस्ट की दुकानें हैं, उसके पीछे दो चार कपड़े लत्ते की दुकानें, ये सब के सब सिर्फ एक ही वजह से एग्जिस्ट करते हैं, और वो है श्री राम मूर्ति बरेली, ठीक है। यही सड़क सामने जाती है, जैसे मैंने कहा हल्द्वानी, और जिस कैब से मैं आ रहा था, मेरी आदत है बातें मारने की, तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। कहते सर मोर देन बरेली सिटी, कहते बरेली में भी इसका बहुत नाम है, लेकिन सच्चाई की बात क्या है कि ये बहुत पॉपुलर है उत्तराखंड। तो देखिए यूपी को हम यूपी समझते हैं ना हमेशा, बरेली से एक्चुअली उत्तराखंड बहुत पास है। ये रोड सीधी जा रही है काठगोदाम या हल्द्वानी, आपने सुना ही होगा, और वो यहाँ से अभी 80 किलोमीटर दूर है, सोचिए। लेकिन यहाँ से लेके 80 किलोमीटर तक और इंक्लूडिंग हल्द्वानी, जैसे कोला कैब वाला बंदा शायद यही का लोकल था, मुझे उसने बताया, कहता सर अगर हल्द्वानी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो उसी ने बोला सर सुशीला तिवारी, अब मैं सोचा सुशीला तिवारी कौन, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी का पूरा नाम सुशीला तिवारी अस्पताल है। कहता सर अब आपको पता है सरकारी के पास तो सुविधाएँ होती नहीं है, तो सरकारी वाले भी रेफ़र करके यहीं भेजते हैं। ये सारे ढाबे जो आप देख रहे हैं, ये सारे सिर्फ उस कॉलेज के भरोसे चल रहे हैं। जैसा कि हमने अरविंदो इंदौर में देखा था, बिल्कुल वैसे ही ये कॉलेज अपने आप में एक, जैसे नाम में है ना स्मारक है, डेस्टिनेशन है। ये सारी दुकानें जो आप देख रहे हैं सब इस अस्पताल के भरोसे चल रही हैं। ये सारे ऑटो जो, और देखिए समय रात के 8 बजे हुए हैं, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस OPD वगैरह का टाइम ख़त्म हो चुका है, तो ये भीड़ आपको नज़र आ रही है, राइट। नहीं तो सुबह तो मुझे वो ओला वाला कह रहा था सर बरेली स्टेशन से लाइक हर 5 मिनट बाद एक आपको शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा, इतने लोग आते हैं यहाँ पर आने के लिए। ये देखिए मेन गेट, और मेन गेट की रौनक देखिए, कहना नहीं चाहिए जी अस्पताल की रौनक, मतलब इतने सारे पेशेंट हैं, आपको रात को भी एम्बुलेंस नज़र आ रही हैं, सामने को एम्बुलेंस खड़ी है, सारे ढाबे, क्योंकि उत्तराखंड के 80 किलोमीटर के लिए, या जैसा मैंने कहा उन भाई साहब के हिसाब से, तो नैनीताल, चंपावत, हल्द्वानी, काठगोदाम और बीच में जितने भी आएंगे कॉलोनी, इस रोड पे अगर हम 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर बहुत होता है जी। कहते सबके लिए एक यही अस्पताल है श्री राम मूर्ति बरेली। तो ये वो सड़क है जो, जैसा मैंने कहा, पीछे बरेली आ रही है और आगे हल्द्वानी जा रही है, ठीक है ना। और फिर से देखिए ढाबे, टी स्टॉल, जब जितना मैं चल रहा हूँ आपको रौनकें तो नज़र आ रही हैं, सामने आपको और बड़ा बड़ा सा बोर्ड नज़र आ रहा है, वो एमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर देखिए, मतलब एम्स दिल्ली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर हम गंगाराम से कंपेयर कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम जुल्म कर रहे हैं अगर हम इसको गंगाराम दिल्ली जैसे हॉस्पिटल से कंपेयर करें, और उस लेवल का ही हॉस्पिटल है, उस लेवल का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जितना जितना चौड़ाई में नज़र आ रहा है उतना ही गहराई में था। मैं अंदर चक्कर काट के आया, शानदार कॉलेज, शानदार हॉस्टल्स, रात के 8 बजे पूरी भीड़। तो हाँ ओला कैब मुझे वाला कह रहा था, कहता सर आपको बल्कि पूरे उत्तराखंड का, जो ये वाला उत्तराखंड का पार्ट था, देखिए उत्तराखंड के मोटा मोटी दो पार्ट कहते हैं ना, एक तो देहरादून साइड का है और दूसरा ये हल्द्वानी, काठगोदाम, अल्मोड़ा, कहने को यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और जो वीर पौड़ी गढ़वाल में है, लेकिन इवन वहाँ से रेफ़र करके लोगों को यहाँ भेजा जाता है, और लोकल नर्सिंग होम्स वगैरह का तो यही है,
कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल है इस पूरे रीजन का। नॉर्मली भी जितने भी बड़े स्पेशलाइजेशन, देखिए बरेली सिटी में तो और भी दो तीन बड़े अस्पताल हैं, मेडी सिटी वगैरह, लेकिन तो उसको बरेली अपने आप में उतना बड़ा शहर नहीं है जितना हम दिल्ली या इंदौर होगा। वैसे ठीक ठाक बड़ा शहर है, बरेली में कैंट भी है, बट बरेली का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इट इज़ गेटवे टू उत्तराखंड इन दिस एरिया। और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो भी है भैया वो यही है, और यही देखिए आपका हिसाब किताब है जो चल रहा है। ये सामने से स्कूटर में भाई साहब आ रहे थे, तो यही है जो हिसाब किताब चल रहा है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। अंधेरा हो रहा है, देखिए लेफ्ट में अभी मैं थोड़ा रुक गया था, मैं फिर से चलना शुरू करा है। एक और ढाबा सरदार जी का ढाबा, तो क्या कह रहा था मैं कि 80 किलोमीटर के लोग यहीं पर आते हैं, और बरेली सिटी में तो दो ऑप्शन हैं, बट ओला कैब वाले का कहना था कि सर आउट स्टेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं, हम स्टेशन से बहुत लोग लेकर आते हैं, और दूसरा उत्तराखंड से बहुत आते हैं। ये सामने जो रोड आ रही है, इस रोड पे बसेस वगैरह में आएंगे आप। ढाबे देखिए ना, ये ढाबे टी स्टॉल देखिए, इसके आगे पीछे कुछ नहीं था, तो यहाँ कोई लोकल सवारी या लोकल पैसेंजर के लिए नहीं खड़े हैं। देखिए एक और गेट आ गया, और इस गेट पे भी आप भीड़ देखिए, यहाँ से फिर ढाबे देखिए, ये सामने भीड़ देखिए, एक और गेट है यहाँ पर, सामने मुझे लिखा नज़र आ रहा है स्किन ओपीडी। तो हर स्पेशलाइजेशन की अलग से ओपीडी है, और सब ओपीडी में बहुत भीड़ रहती होगी। यहाँ पर अब जाके ऐसा लग रहा है कि अस्पताल की बाउंड्री ख़त्म हो रही है। देखिए तो भैया यार, जब मैं ऐसे अस्पताल को कंपेयर करता हूँ कुछ हरियाणा या यूपी के अस्पताल जो हम ने लखनऊ में या हापुड़ में या और जगह देखते हैं गजरौला में, तो बड़ा ही दुख होता है कि वही 75-80 लाख रुपए बच्चे यहाँ पर पढ़ने खर्च करेंगे, और वही 75-80 लाख रुपए आप उन कॉलेजों के दे रहे हो। तो सोच समझ के अपना कॉलेज चुनिए, मैं हमेशा बार बार एक ही सलाह देता हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सो गाइस, ये आप देख रहे हैं शेरा मूर्ति बरेली, जो मैं आपको बाहर फूड कोर्ट दिखाया। लुक एट द साइज ऑफ द कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इट इज़ लाइक अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। हाय गाइस, तो शेरा मूर्ति स्मारक बरेली में मैं बैठा हुआ हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक फूड कोर्ट है कॉलेज के अंदर। ओके, तो अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एक चलता हुआ अस्पताल जहाँ पर एक दुकान होती है जो चल रही होती है, यहाँ पर एक पूरा फूड कोर्ट है जो चल रहा है। तो इसलिए मतलब कि इट इज़ वन ऑफ द अनदर थिंग दैट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। और बस भाई फिर से भाई, इट इज़ बाय फार यूपी का बेस्ट कॉलेज, या मैं जो आपको हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया का टॉप 10 है। जब मैं हमेशा लिस्ट बनाता हूँ, एंड आई ऑलवेज टेल यू द नेम्स, सो इट इज़ श्योरली इन दैट लीग।